खबर आपको अमरपाटन से बताते हैं, जहां एक जले हुए ट्रांसफार्मर को पिछले कई महीनों से नहीं बदला गया और इससे गुस्साए किसानों ने अब चक्का जाम कर दिया है। बिजली ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग है, जाम लगा दिया गया है। बताया जा रहा है पिछले 6 महीने से इस इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से इलाके में बिजली नहीं है। सिंचाई के अभाव में किसानों ने कहा है कि उनकी फसलें सूख गई हैं। अमरपाटन रामपुर मार्ग की आपको तस्वीर दिखा रहा है, जाम लगा दिया, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सतना के इटमा कोठार गांव की तस्वीरें हैं एग्जैक्टली, जहां की आपको हम मौके की तस्वीर दिखा रहे हैं। बैठे हैं भैया कि मेरी जो फसल पेज में 2-3 एकड़ में पेज लगी हुई है, मेरे किसान भाइयों की फसल सब सूख गई है, एक भी पेज होती नहीं है, पानी पीने के लिए परेशानी है और ट्रांसफार्मर कम से कम 1 माह से परेशान है, जल एक लाइट भी जलने के नहीं मिलती है, पानी भी पीने के नहीं मिलता है और जितनी जनता है उतनी सब परेशान है, डब्बा लिए भाग रही है आदमी, कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, क्या कुछ वहाँ के लोगों का कहना वो भी आपको सुनवाया। क्या ये मामला है समझने की कोशिश करते हैं स्थानीय संवाददाता नरेंद्र, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेंद्र, 6 महीने बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लोगों की जिंदगी तो मुहाल होगी ही, लेकिन ये खबर अपने आप में कई बड़े सवाल पैदा कर रही है। 6 महीने से एक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका। जी सुहेल, बताना चाहूंगा ये पहला मामला नहीं है। रामपुर बघेलान क्षेत्र में ऐसे कई गाँव है जहाँ पर बिजली विभाग की मनमानी के चलते यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर जो जल चुके हैं वो बदले नहीं गए हैं। इसके पहले भी वंसल न्यूज द्वारा कई ग्रामों की तस्वीरें दिखाई गई थी और प्रदर्शन भी ग्रामीणों ने किया था। ये ग्रामीणों ने पहले कई बार आवेदन विधायक से लेकर सांसद जी को दिए, बिजली विभाग में कलेक्टर तक को दिए हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं निकला है, जिससे नाराज होकर किसानों ने आज यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित की है। किसानों की माने तो उनकी फसल भी पूरी तरह सूख चुकी है, साथ ही जो प्याज लगी है वो फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उनकी मांग ही उन्हें मुआवजा दिया जाए, साथ ही ट्रांसफार्मर की बिजली की जो जले हुए हैं उसे भी बदला जाए और बिल भी माफ किए जाए, क्योंकि इतने दिनों से बिजली नहीं मिली है और लगातार बिल भी बढ़े हुए आ रहे हैं। सोहेल, चलिए हैरत की बात है, जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करती ये खबर है। 6 महीने हो जाते हैं गांव का ट्रांसफार्मर फूक चुका है, लेकिन अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और आखिरकार ग्रामीणों को सड़क पर उतर कर चक्का जाम करना पड़ा। अगली